हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही बढ़िया इन्फॉर्मेशन लेकर आई हूँ। ये मेरा फ्लैश है, ये जो है वो टाइल्स का बना हुआ है। इसे आप ओपन करके इसको साफ नहीं कर सकते। इसमें जो दो बटन बने हुए हैं, इससे फ्लैश होता है, इससे ज़्यादा पानी आता है, सेकंड से कम पानी आता है। आप इसको कैसे क्लीन करेंगे कि आपका ये फ्लैश अच्छे से वर्क करे, इसलिए मैं आपको बताती हूँ। इसमें देखिए, नीचे से हमको थोड़ा सा प्रेस करना है। जैसे आप प्रेस करेंगे, ऊपर की साइड उठाएंगे तो ये देखिए इसकी क्लिप ओपन हो जाएगी। देखिए इसके अंदर में दो क्लिप बनी हुई हैं, ये देखिए, तो ये इस थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। आप इसको प्रेस करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब इसे ओपन करते हैं स्टेप बाय स्टेप। इसमें 4 स्टेप्स है जिसको आपको ओपन करना है। देखिए दोनों साइड में क्लिप बनी है जो इंटरलॉक करती है, अपोजिट है। आप राइट हैंड का लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड का राइट हैंड साइड, आप उसे थोड़ा सा घुमाएंगे ओपन करने के बाद, तो ये आराम से बाहर निकल आएगा। देखिए लेफ्ट साइड हल्का सा घुमाने से बाहर निकल आया है। ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, जब आप इसको करेंगे तो आप आराम से कर लेंगे। इनमें दो दो खांचे बने हुए हैं। अब हमारा 3rd स्टेप है। देखिए ये वाइट कलर की जो इसमें पैकिंग लगी हुई है उसको भी हम बाहर निकालेंगे। हमारी 3rd लेयर निकल चुकी है। अब हम नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे। तो आपको दो लंबी लंबी स्टिक दिख रही हैं। ये लंबी स्टिक हमारे फ्लैश को दबाने में यूज़ होती है। जो बाहर जो बटन बने हैं वो इन्हीं को प्रेस करते हुए पानी निकालते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप आएगा। आपको जो रेड कलर का वॉल्व दिख रहा है, इसे पहले पानी की सप्लाई को बंद करना पड़ेगा। यदि आप पानी की सप्लाई को बंद नहीं करेंगे तो आप कोई भी वर्क कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, इसको क्लीन नहीं कर पाएंगे। तो पहले वॉल्व को बंद करेंगे, जो आपको रेड कलर से शो हो रहा होगा। इसमें देखिए, मैं इसको बंद कर देती हूँ। बंद करने के बाद ही हम नेक्स्ट प्रोसेस कर पाएंगे। हल्का से घुमाने से इसकी स्टिक बाहर आ जाएंगे। फिर इसकी जो पैकेजिंग है वो भी हम निकाल लेंगे। वो सिंपल, उसमें ही दो क्लिप लगी हुई है, उसको दबाते हुए हम बाहर निकाल देंगे। देखिए उसमें 2 1 एंड 2 खांचे। अब नेक्स्ट स्टेप वॉल्व को बंद करेंगे। ऊपर साइड आप घुमाते जाएंगे तो ये लॉक होते जाएगा। जब ये लॉक होगा तभी हम नेक्स्ट प्रोसेस कर पाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये लॉक कर दिया है। यदि आपको ये हाथ से ना बने तो आप प्लायर का भी यूज़ कर सकते हैं। अब बॉल बंद हो चुका है, अब हम नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। देखिए वाइट कलर का एक इसमें एक और नट लगा हुआ है। नट की तरह सफ़ेद कलर की पैकेजिंग है। इसको आप कनेक्शन को ओपन करेंगे। अब देखिए चूड़ी की जैसे चूड़ी घूमती है वैसे ही घूमते जाएगा और बाहर निकल आएगा। अब देखिए दूसरी साइड से भी हमने किया। आप ये डरिएगा नहीं कि इसमें जो पैकेज जो बाकी मटेरियल वो नीचे चले जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आराम से निकल आएगा बाहर, आप देखिएगा। मैं निकाल के आपको दिखाती हूँ। देखिए ये ओपन हो चुका है मोस्टली, और आप इसे साफ कर लीजिएगा यदि इसमें रेत हो तो। और ये जो आपको वाइट कलर का मैं जो ये ऑरेंज के साइड में जो ये होल दिख रहा है, यही है जो सारा कचरा जमा होता है। एक्चुअली यहाँ पे एक छन्नी लगी हुई है जिससे आपके फ्लैश के अंदर में कचरा ना जमा हो पाए, यहाँ से ही क्लीन होता है। इसमें यही फैसिलिटी है जिस कारण से आपका फ्लैश लॉक हो जाता है और जाम हो जाता है। जाली को साफ करने के लिए ब्रश का भी यूज़ कर सकते हैं, और आप जो कंफर्टेबल हो, आप जैसे कपड़े से या पानी से इसको क्लीन करना है हमें। जो हमारा लास्ट प्रोसेस था, अब उसी से हमको स्टार्ट करना है। सबसे पहले जो आपको ऑरेंज वाला पैनल दिख रहा है, ऑरेंज और वाइट वाला, पहले उसको कसेंगे। जैसे जैसे हमने ओपन किया था वैसे वैसे ही हमको इसे लॉक करना है। आइए फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ कैसे लॉक करेंगे। देखिए
मैंने आपको दिखाया, पहले बड़ी वाली जो चूड़ी जो नट लगा हुआ है, जो चूड़ी कसी हुई है, पहले हम उस पैकिंग को पैक करेंगे जिसे हमने खोला था, वही प्रोसेस से। अब नीचे का पैक हो चुका है तो अब हम ऊपर की चूड़ी भी पैक करेंगे आराम से, क्योंकि उसको सेट में यदि आप इसे अच्छे से पैक नहीं करेंगे तो आपके प्लस में हमेशा पानी नीचे बहते रहेगा। तो इसे बहुत ही केयरफुली होके इसकी चूड़ी को आपस में मिलाना है, मेन फंक्शन यही है। यदि आप इसे ठीक से नहीं लगाएंगे तो पानी लीक होगा। अभी हमारा सेट हो चुका है, अब हम अपने जो रेड कलर का बॉल जो हमने बंद किया था उसे हम दोबारा ओपन करेंगे ताकि हमारी पानी की सप्लाई ठीक से हो सके। अब हमने बॉल्ब ओपन कर दिया है तो पानी लीकेज नहीं हो रहा है, मतलब हमने बॉल्ब ठीक से लगाया है, हमने जो पैकेजिंग है बिल्कुल ठीक की है। तो अब स्टार्ट करते हैं, वही प्रोसेस जो हमने पहले ओपन करने में किया था अब वैसे ही हमको इसको लगाना है। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट इसको लगाते हैं। सबसे पहले इसके जो मेन पैनल है उसे सेट करेंगे और इसकी जो स्टिक है इसे लगाएंगे। इसमें देखिए खांचे बने हुए हैं, इसको आपको आराम से लगाना है। पहले लगाकर एक तो थोड़ा सा इसको थोड़ा सा मूल करेंगे ना तो ये फिक्स हो जाएगी, और इसके साइज़ के हिसाब से पीछे पीछे डिस्टेंस के जैसे देखो प्रेस करने से प्रेस हो जाए वैसा इसकी सेटिंग रखना है। तो हमारी ये स्टिक है वो लग चुकी हैं, आप इसे दबा कर देखिएगा ये वर्क कर रही है कि नहीं कर रही। फिर हम इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जो वाइट कलर की जो सीट थी जो इसकी पैकेजिंग है उसको पैक करेंगे। अब देखिए उसमें ऊपर छोटा सा एक क्लिप है, अब उस क्लिप को ऊपर से दबाएंगे और ऊपर वो फिट हो जाएगी। इसको फिट होने के बाद आप फिर देखेंगे कि आपकी स्टिक वर्क कर रही हैं कि नहीं प्रॉपरली। यदि नहीं कर रही हैं तो आप फिर उसको अच्छे से फिट करना है, ये बहुत ज़रूरी है। फिटिंग अच्छे से हो नहीं तो आपका वर्क ठीक से नहीं करेगा। तो अभी अच्छे से लग चुका है, अब हमारा नेक्स्ट है आप देखिए इसमें जो मैंने बताए थे लास्ट में कि इसे के द्वारा ही लॉक किया जाता है अच्छे से। तो इसमें दोनों स्टिक है, दोनों स्टिक को खांचे में डालने के बाद इसे पहले तो ऊपर रहेंगी, फिर आप उसको घुमाकर देखिए मैं उसको डालते जा रही हूँ और घुमाती जाऊँगी। अब देखिए घूमने के बाद ही लॉक हो जाएगी। पहले देखिए बीच में जो स्टिक है फ्लैश वाली पहले उनको लगाएंगे, उनको फंसाने के बाद ही आप उनके साइड वाली जो लॉक है आप उस लॉक को लगाएंगे। नीचे करना है और राइट साइड का लेफ्ट साइड घुमाते हुए ऊपर के साइड में लॉक करना है। अभी लॉक हो चुका है तो फाइनली हमारा लास्ट वाला कैप लगाना बाकी, मतलब फ्रंट वाला कैप लगाना बाकी है। जैसा मैंने आपको बताया था वैसे ही कंडीशन में हमको उसे लगाना है। तो आप उसे नीचे से स्टार्ट करेंगे, नीचे से रखने के बाद हल्का सा प्रेस करेंगे ऊपर के साइड, फिर उसे नीचे की साइड छोड़ देना है। तो बस हमारा लग के तैयार हो जाएगा। ये वाइट कलर की जो क्लिप है आप बस उसको दबाइए और फिर इसे प्रेस करेंगे ऊपर के साइड। तो हमारा फ्लैश रिपेयर होकर तैयार है। आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।